स्केल sure item. Item है पेंसिल है रबड़ है पेन है सफिशियंट नंबर ऑफ पेन और कैलकुलेटर होने चाहिए अब अगर पेन हमारा खराब हो गया फिर हम लेकर जाना भूल गए तो फिर भी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट है कहीं ना कहीं से मदद मिल सकती है क्योंकि सभी के पास स्टॉक रहता है पेन का लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका कैलकुलेटर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे तो एज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज यूज टू प्रैक्टिस दिस थिंग कि जब जब भी मेरा पेपर होता था था मैं हमेशा दो कैलकुलेटर अपने साथ रखता था। जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं हमें हमें नहीं पता हमें कितना बड़ा टेबल मिलेगा चीजों को मैनेज करने के लिए किस कंडीशन में होगा और बहुत बार तो देखा गया टेबल ऐसे स्लांटिंग होते हैं जी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं आप सामान रखोगे ऊपर वो नीचे की तरफ घिसरता जाएगा और मान लो आपने कैलकुलेटर रखा और नीचे गिर गया और कैलकुलेटर चलना बंद हो गया उस समय आप क्या करेंगे क्या कोई और स्टूडेंट आपको अपना कैलकुलेटर देगा सीए जैसे एग्जाम में जैसे एग्जाम में प्रोफेशनल कोर्स में जी नहीं कोई इतना मददगार साबित नहीं होता अब कोई बच्चा ये कहेगा सर तो अगर हम दो कैलकुलेटर भी लेकर चले गए तो क्या क्या पता दोनों खराब हो जाए बेटा ये तो किस्मत की बात है पांचों भी खराब हो सकते हैं हम एफ में यूजली सिखाते हैं रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड रिस्क कैन ओनली बी मैनेज तो यहां पर हम उसी रिस्क को मैनेज करने की बात कर रहे हैं हमेशा जब भी एग्जाम में जाओ अपने साथ एक कैलकुलेटर की बजाय दो कैलकुलेटर लेकर जाओ एक स्पेयर हमेशा लेकर जाओ क्योंकि अगर खराब हो गया पहला तो दूसरा तो हमें बचा लेगा नहीं तो पता चला एग्जाम तो सारा आता था, था लेकिन कैलकुलेटर के बिना हम एग्जाम अपना कर ही नहीं पाए सिमिलरली आपके जमाने में तो मेरे ख्याल से वॉटर बोटल मिलनी स्टार्ट हो गई हमारे जमाने में क्या होता था जग होता था और ग्लास होता था अगर हम कहते थे मैम वाटर अब एकदम से हमारी उस पर तो आएगा नहीं ये तो, अल्लाह दिन का चिराग थोड़ी है, रगड़ा और भाई आ गया जी नहीं वो अपनी रफ्तार से आएगा अभी दूसरे क्लासरूम में थोड़ी देर में आएगा तो बैठे रहो भूखे तो पेपर कर भी रहे कि आपको मिलती है बीच में जब प्यास लगी तब है कैसे तो अपने साथ हमेशा अपनी वाटर बॉटल लेकर जाए नहीं है ये सभी चीजों का स्टॉक अपने पास हमेशा रहना चाहिए सो दैट हम अपनी पूरी ईज के साथ अपना पूरा तीन घंटे बिता सके और अच्छे से पेपर अपना कंप्लीट डीट कर सकें